नमस्कार किसान भाइयों, हमारी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जिन लोगों के पास में कंप्यूटर माझा यानी के लेजर लैंड लेवलर, कुछ जगह इसे लेवलिंग मशीन भी बोल देते हैं, कहीं कंप्यूटर करहा, कहीं कंप्यूटर गोरी, इस तरह के मतलब क्षेत्र के हिसाब से इसके नाम होते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, मतलब ये भी एक हमारे कंप्यूटर माझे का यानी कि लेजर लैंड लेवलर का एक हिस्सा है, जो कि इसे ट्रांसमीटर बोला जाता है। अब हम अपनी चर्चा स्टार्ट करने से पहले, आज की जो वीडियो है हमारी, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें हम आपको बता दें, यदि आपके पास लेजर लैंड लेवलर है यानी कि यदि कंप्यूटर माझा आपके पास है या आप इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो क्या है उसमें कि यदि आप इससे संबंधित हैं या आपके पास लेजर लैंड लेवलर है या आपके कंप्यूटर माझे में कोई समस्या है, तो आप इस वीडियो को देखो। और आज यहाँ मैं बता दूँ आपको कि ये हमारा आज की हमारी वीडियो कुछ लंबी जाने वाली है, तो आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को सेटअप बाय सेटअप देखिए। और यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न हैं जिसे हम बता दें, जो आए दिन हमारे पास फ़ोन द्वारा हमसे पूछे जाते हैं और हम उनका समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। आज बरसात हो रही है कल से, और आज भी बरसात है, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा कि मतलब एक जगह बैठ के और पूरा सेट ये हम आपको दिखाएं कि क्या चीज़ क्या काम करती है और किस चीज़ का क्या महत्व है, और यदि किसी चीज़ में कोई समस्या आए तो हम उसका पता कैसे लगाएं। तो आज हमारे पास में पांच क्वेश्चन हैं आज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माझा कैसे काम करता है, कंप्यूटर माझा कैसे काम करता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर माझा रेंज क्यों काटता है, कंप्यूटर माझा रेंज क्यों काटता है या कैसे कट जाती है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि खेत में तिपाई कहाँ रखें जिससे रेंज ना कटे। चौथा प्रश्न है कि खेत को ढाल कैसे दें, यानी कि स्लोप, खेत को स्लोप कैसे करें। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ज़्यादातर कुछ लोग किसी किसी समय पर इस सवाल को पूछते हैं और मैं उन्हें बताता हूं, तो आज प्रैक्टिकली उन्हें ये करके भी दिखाऊंगा कि हम अपने समतल खेत को ढालदार कैसे बनाएं। ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और देखो, मैंने अभी आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे ये कहा है कि आज की वीडियो हमारी थोड़ा लंबा जाने वाली है, तो आप धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को आप स्किप ना करें। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और बचा है अभी, इसमें लिखा है पांचवा कि ट्रांसमीटर से दूर हो जाने पर रेंज कट जाती है, इसका भी समाधान हम आपको बताएंगे या कहाँ दिक्कत है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। और आज जो हम बात करेंगे या जो प्रैक्टिकली हम आपको आज करके दिखाएंगे, वो हमारा इन पांच प्रश्नों के ऊपर ही बात होगी और सेटअप बाय सेटअप आप हम आपको बताएंगे। इसमें अब क्या है कि जो हमारे किसान भाई या जो भी बंधु हमारी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इससे ये होगा कि हमारा जो भी वीडियो का लिंक आएगा, हम ज़्यादातर क्या, अब तो मतलब लेजर लैंड लेवलर के आधार पे ही हम वीडियो बनाते हैं, तो आपके लिए ये काम की चीज़ है। और हम एक साधारण भाषा में और साधारण तरीके से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो कृषक बंधु हैं, जो लेजर लैंड लेवलर वाले जो भाई हैं हमारे, उनकी समझ में वीडियो सही से आए। देखिए, ये ट्रांसमीटर है,
ये जो है ट्रांसमीटर, ये जो खेत में तिपाई के ऊपर जो मशीन लगाई जाती है ये वो है, इसे ट्रांसमीटर बोलते हैं। यही पूरी जो कमांड देता है खेत लेवल करने के लिए, पूरे सिस्टम के लिए वो यही कमांड देता है। अच्छा, इसकी जो तरंगें, जो किरणें होती हैं, जो लेजर होती हैं इसकी, वो लाल रंग की जो होती है, वो त्रिखुंडी जी घूमती है, उसकी जो किरणें ये जाती हैं, इसे रिसीवर बोलते हैं। जो लेवलर यानी बकेट के ऊपर जो लगाई जाती है मशीन वो ये है, इसे रिसीवर बोलते हैं। जो ये तरंगे जो फेंकता है, अभी हम ये दिखाएंगे आपको कि ये जो ऊपर नीचे होता है और जो तरंगे फेंकता है उससे मतलब क्या क्या वो करता है, वो सब चीज़ बताएंगे हम आपको अभी। अब ये रिसीवर जो ये लेजर फेंकता है वो इसे ये कैच करता है। उसके बाद में ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर का ये काम है कि जो ड्राइवर सीट के पास, ये ड्राइवर सीट के पास में कंट्रोल पैनल लगाया जाता है। ये इसमें लिफ्ट का बटन होता है अप डाउन, क्योंकि ट्रैक्टर में जो लिफ्ट वाला जो लीवर होता है उसका यूज नहीं होता है, केवल इससे लिफ्ट अप डाउन जो हमारा लेवलर है वो किया जाता है। अच्छा, अब इसे लगाना कैसे है, देखिए सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि जो ट्रैक्टर में से हम पावर देंगे वो ये 2 पिन की लीड है। अब हम इसे यहाँ से लगाएंगे, ये देखिए ये इसका साइज उसी हिसाब का होता है। अब हम ये देखें इसमें लाइट आई या नहीं, ये ऑन किया हमने, लाइट इसके अंदर आ चुकी है। अब ये देखिए एरर दिखा रहा है ये। अब ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि हमने ये इसके पीछे की ये 2 लीडें नहीं लगाई हैं। अभी हमने ये 2 लीडें हैं जो 3 पिन और 4 पिन है, वो लीडें हमने इसके इसमें लगाई नहीं है, इसलिए आपको ये एरर दिखा रहा है, एरर 2। अब हम इसमें 3 पिन है, ये हम लगाएंगे। अभी ये लेवलर में, जो लेवलर पे डिस्ट्रीब्यूटर जो वायर होता है ये वहाँ करंट पहुँचाती है। ये देखिए, अब देखें क्या दिखा रहा है ये देखो अभी भी एरर दिखा रहा है ये। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभी आपने 4 पिन वाली लीड जो कि हमारी रिसीवर के लिए ये जाएगी कंट्रोलर से, जो कंट्रोलर और जो रिसीवर को मतलब कनेक्ट करती है वो लीड अभी इसमें बाकी है। तो अभी हम ये देखें, अभी हम 4 पिन लीड लगाएंगे। ये देखिए अब ये हमने लीड लगाई है। अब देखिए अब ये हमने 3 पिन इसमें हम लगा चुके हैं। अब देखते हैं कहीं वो एरर तो नहीं आ रहा इसमें। ये देखिए ये फिर से एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, कुछ जगह गलतियां जो हमारे नए किसान भाई हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि हमने इसमें तो 3 पिन लगा दी लेकिन ये फिर भी एरर आ रहा है, जिससे उन्हें ये हो जाता है कि पता नहीं हमारे कंट्रोलर में या हमारे कंप्यूटर माजर में क्या हो गया। इसमें ये ज़्यादातर जो मिसिंग होती है, अब ये हमने ये कहा था आपसे कि हमारी जो 4 पिन है वो रिसीवर और कंट्रोलर को कनेक्ट करती है। अब हमने कंट्रोलर में तो लीड 4 पिन वाली जो थी वो लगा दी लेकिन हम रिसीवर में उसे लगाना भूल गए। अब देखते हैं, अब आप देखिए ये 4 पिन है, यही 4 पिन है। अब हम इसे इसमें कनेक्ट करेंगे, ये देखिए, और आप ये यहाँ देखिए अभी हमने कनेक्ट नहीं की है तो इसमें अभी भी एरर आ रहा है। आप यहाँ दिखाओ ये कंट्रोलर पर लाइट, अभी भी एरर आ रहा है, बीपर जल रहा है।
तो अब देखिए, अभी हम यहाँ लगाएंगे फोर पिन। ये देखिए, अभी जैसे ही हमने फोर पिन लगाई, ये देखिए इसमें भी लाइट आ चुकी है ये, और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल चालू हो गया, क्योंकि अब ये हमारा रिसीवर से कंट्रोलर कनेक्ट हो चुका है। तो ज़्यादातर जो गलती हमारे किसान भाई, जो नए किसान भाई हैं, वो ये कर जाते हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि हमने बकेट के ऊपर रिसीवर लगा तो दिया, लेकिन कई बार हम उसकी लीड लगाना भूल जाते हैं, तो आप इस चीज़ पर भी ध्यान दें। अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा ये सिस्टम, अब ये काम कैसे हिसाब से करता है, क्योंकि हमारा जो पहला प्रश्न, अभी हमने आपको फिट करना तो बता दिया, कंप्यूटर माजा कैसे काम करता है, अब हम आपको वो बताएंगे। ये देखो, अब जैसे अभी हम अपना ट्रांसमीटर चालू करेंगे तब इसका वो कुछ होगा। ये देखिए, आइए, अब देखिए, अब हम इसे ट्रांसमीटर को चालू करेंगे। ये देखिए, ये जो ये चालू हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये बता दें हम, अभी जैसे ये ट्रांसमीटर ऑटोमेटिक होता है, जैसे कई बार तिपाई तिरछी लग जाए तो नए किसान बंधु ये सोचते हैं कि या अगर ये तिपाई तिरछी होगी तो कोई हमारा खेत मतलब बेकार ना हो जाए। तो इसमें ऐसे सेंसर हो ये होते हैं जो कि जब तक बिल्कुल 90 अंश के कोण में नहीं ये मतलब आ जाएगा, तब तक ये तिरकुंडी जी जो घूम रही है ये घूमेगी नहीं तब तक। अभी जैसे ये हिल जाए तो भी ये बंद हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊं, अब ये मैंने ये हिलाया, ये हिल गया, अपने आप बंद हो गई, ठीक है। अब ये जब तक इसका सेंटर नहीं बनेगा तब तक चालू नहीं होगी, अब ये अपने आप ही चालू होने वाली है। आप देखिए, ये हो गई, जब तक ये 90 वाला वो बिल्कुल एकदम से वो कोण नहीं बनाएगी तब तक ये चालू नहीं होगी। अब ये देखिए, आपको ये लाल लाल जो ये लेजर फेंक रही है ये दिख रही है। हमारा कमरे के अंदर आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम आपको बारीकी से हर चीज़ की जानकारी दें। अब ये हो गया ये। अच्छा, अब देखो, अब ये यहीं आ जाते हैं हम फिर से। अब हमारी वीडियो थोड़ी धुंधली या काली सी आएगी, आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि हमें बंद कमरे के अंदर ये दिखाना जरूरी है आपको कि ये किस हिसाब से काम करता है। अब ये देखिए, अब ये हमारा रिसीवर है, अब ये जो किरणें फेंक रही है ये आपको लाल लाल किरणें दिख रही होंगी। तो अब हमें ये देखना है, देखो अब ये हमारे हाथ में कंट्रोलर भी है। अब देखो, अब जैसे ही हमारा अब ये रेंज मिलाने की कोशिश हम करेंगे, अभी ये सीधा तो कर लें हम इसे, ये सीधा है, ये देखो, अब जैसे ही हम हौले हौले धीरे धीरे ऊपर को उठाएंगे, ये देखिए अभी धीरे 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 धीरे, ये देखिए आप, ये देखो, यानी कि ये जो लाल बत्ती जली है ये संकेत ये दे रही है कि अभी ये और ऊपर उठेगा तब जाके हरी बत्ती जलेगी। ये देखिए, अभी हम धीरे 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 धीरे, अभी कह रहा है कि और ऊपर उठाओ इसे, ये देखो अभी हमारा ये देखो, अब ये कह रहा है कि थोड़ी सी कसर और है, अभी इसे ऊपर और उठाओ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अब देखो बिल्कुल, और जब बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तो ये बिल्कुल ये लाल बत्ती जलना बंद हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फिक्स रेंज में है, जैसे ही थोड़ा सा डाउन आई फिर ये कहेगा कि ऊपर चलो। अब यदि ऊपर हो तो ये देखिए, हम देख लें, ये पीली बत्ती जल गई। अब ये पीली बत्ती ये संकेत दे रही है कि आप इसे थोड़ा नीचे करो, ये देखो ये पीली है, जब हम नीचे को लाएंगे तो अभी ये पीली ये कह रही है अभी कि अभी मुझे और नीचे लाओ। ये देखो, ये आ गई, ये सेंटर में लग गई है, आप देख रहे हैं। अब ये जो हमारे हाथ में डिब्बी हैं, ये डिब्बी बकेट के ऊपर लगाई जाती हैं, जिससे ये कमांड देता है
और वहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो वाल लगा हुआ होता है उसी आधार पे ये मतलब अप डाउन करता है, क्योंकि माझा जो ऊपर नीचे होगा जब तक ये कमांड मतलब कंट्रोलर के जरिए, जब ये कमांड उस डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगी जो मतलब लेवलर के ऊपर लगा हुआ है, तभी वो ऊपर नीचे होगा। अब ये देखिए, अब जैसे हमने ऊपर के लिए करा ये देखो, अब ऊपर के लिए ये दबा रहे हैं हम, तो ऊपर के लिए ये लाइट जल रही है, यानी कि कंट्रोलर हमारा सही काम कर रहा है। अब इसे हम डाउन के लिए करें तो डाउन के लिए ये जल रही है, तो ये डाउन और ये ऊपर, डाउन ऊपर अप नीचे, तो ये चीज है, ये होगी इसकी। और जैसे ही अब ये देखो, यहाँ पर जैसे हमने डाउन करा तो पीली बत्ती जल गई, अब ये यानी, और ये हमने अप करा तो ये लाल बत्ती जल गई। अब जैसे कोई ये रेंज वाला सिस्टम है, ये देखो ये आ गई रेंज हमारी, यहाँ दिखाओ कंट्रोलर में, ये देखो ये बिल्कुल फिक्स रेंज आ गई। उसी हिसाब से ये कमांड मिलती है रिसीवर में, वो कैच करता है ट्रांसमीटर की किरणों को, जो ये किरणें चल रही हैं लेजर, इसे ये करता है कैच और ये आती है इसमें, तो ये उसी हिसाब से फिर जो हमारा बकेट है उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कमांड देता है अप डाउन करने के लिए, जब वो जीरो लेवल में एक समतल चलता है। 1% तो हमारा हो गया ये कंप्यूटर माझा कैसे काम करता है, तो भैया वो करता है ऐसे। अच्छा, अब दूसरा के हमारा कंप्यूटर माझा रेंज क्यों काटता है, ये सवाल आता है अब हमारा दूसरा। तो रेंज काटने का कारण ये है कि जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, देखो रेंज काटने के दो कारण होते हैं, या तो हमारे रिसीवर या कंट्रोलर में दिक्कत हो तब रेंज कटती है, या हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर जो बकेट के ऊपर है वो सही से काम ना करे तब रेंज कटती है, क्योंकि वो बैलेंस बनाने में असमर्थ होता है, वो बैलेंस को नहीं थाम पाता है, तो ये ऊपर नीचे जो होता है वो इसलिए रेंज कटती है, मतलब जब ऊपर नीचे होगा तो रेंज कटेगी। ज्यादातर रेंज कटने का जो कारण होता है वो रिसीवर में दिक्कत आती है, या कई बार कंट्रोलर में भी दिक्कत आ जाती है तब रेंज कटती है, या जो ये हमारा सामने आप ये जो ट्रांसमीटर देख रहे हैं, कई बार इसमें ये होता है कि जब इसकी ये लेजर ये जो फेंक रहा है लेजर, ये थोड़ा वीक हो जाए किसी कारणवश, तो ये रिसीव करने में इसे दिक्कत आती है, जबकि इसके पास तक वो लेजर पहुंच नहीं पा ये पाती है तब वो रेंज कटती है। तो रेंज कटने के भी यहाँ कई एक कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही चीज से रेंज कट है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी खराब हो सकता है, आपका रिसीवर भी खराब हो सकता है, या आपका कंट्रोलर में भी दिक्कत आ सकती है, या आपका जो ट्रांसमीटर है उसमें भी दिक्कत आ सकती है कि वो वहां तक लेजर नहीं पहुंचा पाए जहां हमारा लेवलर चल रहा है। तो ये तो बात हो गई, ये आ गई रेंज कटने की बात, इन कारणों से रेंज कटती है। अब हमारा सवाल है तीसरा कि खेत में तिपाई कहाँ रखें, बिल्कुल सही सवाल है। देखो अभी मान लीजिए ये हमारा खेत में मतलब ये हमारा जो लेवलर है ट्रैक्टर, ये चल रहा है, ठीक है चल रहा है आराम से, ये देखो चल रहा है आराम से, रेंज आ रही है जा रही है। अच्छा मैं बताऊं, यहाँ ये जैसे अभी आप किसी गड्ढे में मट्टी छोड़ने को जाओ, तो जैसे ही गड्ढे में मट्टी छोड़ोगे तो एकदम से लाल दिखाएगा, ये कहेगा कि ऊपर करो, क्यों कि एकदम से गड्ढे में गिरता है, तो जैसे ही ऊपर को होगा तो वो फिर सेंटर में आ जाएगी, या जहां से आप मट्टी उठा रहे हो तो वो हल्का वो ये कहेगा कि थोड़ा सा इसे मतलब डाउन करो, तो ये थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो ये रेंज मिल जाएगी आपकी।